पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जयो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तयो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तीन देखे धर कपट कपिद, प्रभु गुण हृदय सराही शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। सब बांडों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सब को बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब बांडो सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव का वचन सुनकर बानर दौड़े, दूतों को बांध कर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कन काटेगा उसे कोसलाजी श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी, इससे हंस कर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्द संदेशे को बाँचो।